भिवानी जिले के बवानी खेड़ा हल्के के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक गांव खरक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बवानी खेड़ा हल्के में भाजपा का उम्मीदवार कपूर वाल्मीकि है, इनके पक्ष में 5 अक्टूबर को मतदान करना है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऐतिहासिक कार्यों में राम मंदिर निर्माण कराया, जो अयोध्या का 5 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने सहित ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं जो आज तक नहीं हो पाए थे, जिसकी लोग केवल कल्पना ही कर सकते थे और कांग्रेस भी इनके खिलाफ थी। भाजपा सरकार में राम राज आया है। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हिंदुत्व को बढ़ावा देती है लेकिन कांग्रेस इसके विपक्ष में चलती है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। उन्होंने कहा कि यहां से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में भारी मतदान करके इनको विजयी बनाएं ताकि प्रदेश में बहुमत से भाजपा की सरकार बने और विकास की गंगा बहे। उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र के बारे में भी बताया कि आने वाले के बाद संकल्प पत्र की तमाम घोषणाओं के पहले कॉलम से ही लागू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में सभी को इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि जो हल्के में विकास कार्य की कमी रह गई है वह यहां से भाजपा उम्मीदवार के जीतते ही सत्ता आने पर उनको पूरा करवाया जाएगा। इसके अलावा भी विकास की कमी नहीं आएगी। अयोध्या 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा, लेकिन प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा।